हेलो स्टूडेंट्स, सो चलिए डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर आइसोडाइफर विद क्लोरीन 35। अब आइसोडाइफर क्या होते हैं? आइसोडाइफर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, सेम होगा। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्लोरीन में मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस कितना है। So, अब 35 जो है वो मेरे पास क्या है, एटॉमिक मास। मास में मेरे पास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये मेरे पास है एटॉमिक नंबर 17। मेरे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। इसमें मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे। अब चेक करते हैं कि क्लोरीन में मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितने होंगे, एटॉमिक मास से मैंने एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया। सो इट मींस यहां से मैंने क्या किया, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन लिया, उनमें से माइनस कर दिया प्रोटॉन, मींस एटॉमिक मास जो मेरे पास था उसमें मैंने माइनस कर दिया एटॉमिक नंबर। सो यहां से मेरे पास मास कितना था, 35 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास थे 17। सो यहां से मेरे पास आंसर कितना हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास आ गए 18। अब मुझे चेक करना है डिफरेंस, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस देखना है। यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 18 माइनस 17, सो डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, 1। इट मींस यहाँ पर जो आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है, इसमें आपको बताना है कि किस में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है पोटेशियम, यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 19, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितने हैं, 39 माइनस 19, तो यहाँ से आगे 20। सो 20 माइनस 19 मैंने किया तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मींस ये आइसोडाइफर होगा क्लोरीन 35 के साथ। अब नेक्स्ट है मेरे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 9, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 19 माइनस 9 किया तो यहाँ पर आ गया 10। सो डिफरेंस 10 माइनस 9 किया तो 1 आ रहा है, तो ये भी आइसोडाइफर होगा। सी में मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 13 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास कितने हैं, 27 माइनस 13, सो इट मींस ये कितना आ गया, 14 आ गया। 14 माइनस 13 किया तो आपके पास डिफरेंस अब भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मींस ये भी आपके पास आइसोडाइफर है। नेक्स्ट है लिथियम, सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा प्रोटॉन्स 3 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास कितना, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मींस मेरा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो हेट्रोजेनियस मिक्सचर आपके पास कौन से होते हैं जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर कॉम्पोजिशन जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो यहाँ पर देखिए आपका आंसर फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ब्लड, सेकेंड मिल्क, और थर्ड आपके पास हो जाएगा टैप वाटर। और एयर जो मेरे पास है, एयर मेरे पास होगा होमोजेनियस मिक्सचर। सो यहाँ से आपका आंसर हो गया ए बी और डी। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा गया है। सो पूछा गया है कि आपको क्रोमियम के लिए कुछ स्टेटमेंट्स पूछी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जब L की वैल्यू 2 है, L is 2 is possible for an electron in this atom. So क्रोमियम का जो एटम है उसमें L is equal to 2 एटम जो है वो क्या है, पॉसिबल है। L is equal to 2 is possible for an electron in this atom. क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 2 होना क्या है, पॉसिबल है। नेक्स्ट है मेरे पास बी स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू 2 आर 2। सो यहाँ पर आपको बताना है कि जब मेरे पास m की वैल्यू 2 है, ओके, सो m की वैल्यू 2 मींस d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। सो d ऑर्बिटल में ये बोल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर d ऑर्बिटल है, m की वैल्यू 2 मींस 1 d ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग m इज इक्वल टू 1 आर 10। अब m 1 जो है वो किस किस के लिए हो सकते हैं, P के लिए भी हो सकते हैं, D के लिए भी हो सकते हैं, F के लिए भी हो सकते हैं, सबके मतलब सिर्फ S के लिए M की वैल्यू 0 होगी, बाकी सबके केस में 1 होना पॉसिबल है। अब D ऑप्शन है कि N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0 और M की वैल्यू 0, और S की वैल्यू कितना,
प्लस हाफ इज पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। चलिए सो इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्फिगरेशन लिखनी है। एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना है, 24। सो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। अब क्रोमियम की कॉन्फिगरेशन में एक्सेप्शनल आता है, तो 4s में कितना होगा, 1 होगा, और 3d में कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब सेकेंड काम है आपको इन सब के लिए क्या करना है, n की वैल्यू लिख देनी है। सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पर 2 है, इस केस में 2 है, 3, 3, 4 एंड 3। चलिए अब m की वैल्यू के बाद मुझे सेकेंड लिखना है l की वैल्यू। सो l की वैल्यू के लिए, सो l की वैल्यू यहाँ इस केस में मेरे पास कितनी होगी, l की वैल्यू वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 के लिए मेरे पास l की वैल्यू 0 और 1 पॉसिबल है, 2 के लिए 0 और 1, और यहाँ पर 3 के लिए 3s है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। p के लिए मेरे पास कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1, और s के लिए 0, और d के लिए मेरे पास कितनी है, 2। सो यहाँ पर चेंज है, ये l की वैल्यू। सो l की वैल्यू s के लिए 0 होगी, p के लिए 1 होगी, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, d के लिए 2 हो जाएगी। सो ये था मेरे पास सब शेल के लिए। सो l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s के लिए, 1 होती है p के लिए, d के लिए होती है 2, और 3 होती है मेरे पास f के लिए। चलिए क्या यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे लिखनी है वैल्यू यहां पर m के लिए। सो m की वैल्यू डिपेंड करती है l की वैल्यू पर, माइनस l से प्लस l तक इंक्लूडिंग 0। सो यहां पर हम पूरी वैल्यूज लिखेंगे। सो m के लिए मेरे पास ये 1s के लिए कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 0 है तो 0 हो जाएगी, यहां पर भी 0 हो जाएगी, यहां पर अब -1 से 0 और +1 तक जाएगी, इस केस में 0 होगी, यहां पर सेम -1, 0 और +1 रहेगी, इस केस में मेरे पास कितना, 0, यहां से -2, -1, 0, +1 और +2 में मेरी वैल्यू जाएगी किसके लिए, m के लिए। m मुझे क्या बताता है, ऑर्बिटल। अब चेक क्या करना है मुझे कि l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 मींस किसकी बात कर रहे हैं, d सबशेल के लिए बात कर रहे हैं। क्या d सबशेल पॉसिबल है इस कॉन्फ़िगरेशन में, पॉसिबल है। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, करेक्ट है। मुझे बात किसके लिए करनी थी, करेक्ट स्टेटमेंट के लिए। बी ऑप्शन पढ़िए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2r2। अब देखो मेरे पास यहाँ पर इन्होंने मोड लगा रखा है, मींस मुझे माइनस वाली वैल्यू भी देखनी है और प्लस वाली वैल्यू भी, दोनों लेनी है। सो एक तो मेरे पास ये वैल्यू दिख रही है और एक मेरे पास यहाँ पर वैल्यू दिख रही है। अब मैं की डी सबशेल में, डी में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, मींस हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब यहाँ पर एम की वैल्यू -2 है, यहाँ पर +2 है, तो उस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो एक एक मतलब टोटल मेरे पास कितने प्रेजेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। सो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल मेरे पास 2 हो गए। इट मीन्स बी स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मोड 1 इज इक्वल टू 10। सो m की वैल्यू जब 1 होगी, तब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसमें 10 होंगे। सो चेक कर लेते हैं। सो m की वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर 2 बार 1 आ रहा है, मोड लगा रखा है ना, और p में कितने, 6 है। सो मींस यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे होंगे, और कितना, 1, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सेम p6 यहाँ पर भी है, इट मींस इस केस में भी मुझे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से। अब इसके अलावा के कहीं पर 1 आ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। जब m की वैल्यू कितनी है, 1, मोड 1 है। सो टोटल कितने हो गए, 4, 4, 8, 9 और 10। सो इट मीन्स सी स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए अब लास्ट बची है डी स्टेटमेंट, उसमें क्या है कि n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, और s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ इज पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो इस कॉन्फिगरेशन में, इस कॉन्फिगरेशन में आपको बताना है कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा।
सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन जिसके लिए है वो मेरे पास क्या है, आउटरमोस्ट शेल है। सो यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल मेरे पास कौन सा होगा, फोर। सबसे पहले फर्स्ट शेल आएगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड, फिर लास्ट में फोर आया ना। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन जो होगी वो मेरे पास क्या होगा, आउटरमोस्ट शेल होगा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। चलिए, सो अब फोर के लिए देखो, क्या ये क्वांटम नंबर की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? एन की वैल्यू फोर है, एल की वैल्यू एस के लिए जीरो होगी, और यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। क्लियर? और स्पिन की वैल्यू हम प्लस हाफ या माइनस हाफ में से कोई भी ले सकते हैं, हमने प्लस हाफ यूज किया, इट मीन्स डी स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सो चारों ऑप्शन आपके पास क्या होगी, करेक्ट होगी। चलिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज और आर इनवैलिड। अब यहाँ पर इनवैलिड पूछा है, और किसकी, किसके लिए, एटॉमिक नंबर 18 के लिए। सो एटॉमिक नंबर 18 जो है ये किसके लिए होता है, आर्गन के लिए। सो इसके कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। सो ये आर्गन के लिए कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास गिवन है। सो एटॉमिक नंबर जो गिवन है ये देखिए, फर्स्ट है एन की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू कितनी, 2। एल 2 मुझे क्या बता रहा है, ये 3d मींस 3d बता रहा होगा। सो ये मेरे पास जो शेल है ये कौन सा होगा, 3d होगा, इट मींस ये कैसे 3d है। क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको कहीं पर 3d में इलेक्ट्रॉन कोई दिख रहा है, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन में नहीं दिख रहा है, इट मींस ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर एन की वैल्यू एल के इक्वल होगी, ये केस तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। जो एल की वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन किससे, एन से, वो कभी भी इक्वल टू एन और ग्रेटर देन एन नहीं हो सकती, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सो यहाँ से मेरा बी भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब सी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर है 0 और एन की वैल्यू 4 है, तो इट मीन्स ये 4s की बात कर रहे हैं, क्या मेरी कॉन्फ़िगरेशन में 4s है, नहीं, इट मीन्स ये भी मेरे पास क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। डी के लिए, अब वैसे तो ये क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है, बट हमें पर्टिकुलर पूछा है एटॉमिक नंबर 18 के लिए, तो 18 की कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला जो क्वांटम नंबर का सेट है वो यूज नहीं होगा। अब फोर्थ में देखिए, 4 1, सो 4 1 मींस यहाँ पर 4p के लिए बात कर रही है, एल की वैल्यू 1 मींस 4p हो गया। सो ये भी मेरे पास क्या है, वैलिड होगा कि नहीं, वैलिड तो है, बट एटॉमिक नंबर 18 के लिए ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सो इट मींस यहाँ से जो आपका आंसर है, यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। सो इट मींस चारों आपके लिए क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट, ऑल द ऑर्बिटल ऑफ गिवन सबशेल हैव सेम वैल्यू ऑफ। अब आपके पास एक सबशेल गिवन है, उसमें किस किस की वैल्यू जो है वो सेम होगी। मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि मैंने यहाँ पर 3p सबशेल लिया है, 3p सबशेल में मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 मेरे पास ऑर्बिटल होंगे। सो इट मींस यहाँ पर कौन से, px, 3py और 3pz, ये मेरे पास ऑर्बिटल्स होंगे। अब क्या यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पर n में अगर देखूं तो सभी ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अगर मैं l की वैल्यू देखूं तो सभी ऑर्बिटल के l की वैल्यू भी कितनी आ रही है, l की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है। सो p के ऑर्बिटल है, सो इट मीन्स यहाँ पर एक, अगर आपके पास कोई सबशेल गिवन है, वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और किसके लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी। और जैसे ही मैं बात करूं m के लिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, -1, 0 और +1, 3 आती है मेरे पास वैल्यू। जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 से लेके +1 इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास ए और बी। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज +2। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है, +2 है।
इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट हो सकता है? मेरे पास क्या क्या गिवन है, 4s है और 4p है और मेरे पास 4d है और 4f है। अब देखिए m की वैल्यू प्लस 2 के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर l की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। सो m की वैल्यू भी यहाँ पर क्या जीरो है, यहाँ पर l की वैल्यू 1 है। m की वैल्यू जो है वो -1 से +1 तक जाएगी इंक्लूडिंग जीरो। 4d में l की वैल्यू कितनी है, 2 है। सो यहाँ पर m की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या होगी, -2 से लेकर +2 तक जाएगी इंक्लूडिंग जीरो। और f के लिए l की वैल्यू मेरे पास रहती है 3। सो मीन्स यहाँ पर जो मेरे पास m है उसकी वैल्यू -3 -2 -1 +1 +2 और +3 तक जाएगी। अब चेक करो किस केस में m की वैल्यू +2 है और वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। एक तो मेरे पास कौन सा है 4d और एक मेरे पास कौन सा है 4f, क्योंकि यहाँ पर ही मुझे m की वैल्यू जो है कितना +2 मिल रही है। इन दोनों केसेस में s में और p में मेरे पास m की वैल्यू +2 मुझे नहीं मिल रही। इट मीन्स यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, मीन्स 4d ऑर्बिटल और 4f ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। चलिए सो इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज और आर नॉट करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट अप टू एटॉमिक नंबर 30। सो यहाँ पर मुझे बताना है कि एटॉमिक नंबर 30 तक इनमें से कौन से ऐसे क्वांटम नंबर के सेट है जो क्या है, इनवैलिड है, जो करेक्ट नहीं है। सो एटॉमिक नंबर 30 मीन्स किसके लिए बात हो रही है, जिंक के लिए बात हो रही है। सो कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। चलिए सो अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट मेरे पास जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है, क्वांटम सेट्स है, वो क्या है, 4 0। इट मीन्स 4s की बात कर रहे होंगे, करेक्ट। सो 4s के मेरा इस कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है, इट मीन्स ये तो मेरे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है 3 और 2, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, मीन्स 3d के लिए बात कर रहे हैं, तो 3d में इसके लिए पॉसिबल है, अप टू एटॉमिक नंबर 30 तक ये पॉसिबल है। अब नेक्स्ट है मेरे पास 3 और 1, 3 1 मीन्स 3p भी मेरे पास क्या है, पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे देखनी है वैल्यू। अब वैल्यू देखो, 3p के लिए मेरे पास m की वैल्यू जो है वो -1 से +1 तक होनी चाहिए और यहाँ पर कितना आ गया, +2। इट मीन्स सी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगी, ये है इनकरेक्ट। अगर यहाँ पर -1 जब +1 होता और 0 होता तब मैं मान सकती हूँ कि ये केस पॉसिबल हो सकता है, बट इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम वही चीज है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 में चला गया। सो इट मीन्स यहाँ पर भी आपका आंसर जो होगा सी और डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू आपको ध्यान में होगा -1 से 0 और +l पे डिपेंड करती है, और यहाँ पर जो l की वैल्यू है वो कितना है, 1 है। सो -1 से +1 तक जानी चाहिए, तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी और डी। इस क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ओके सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें जस्ट आपको बताना है कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जो वैलिड हो रहा है। उसके लिए सिंपल आपको पता है कि n की जो वैल्यू है वो कितनी, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। l की वैल्यू कितनी होती है, 0 to n-1 होती है, और m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, l पर डिपेंड करती है। तो ये मेरे पास -l से 0 प्लस l तक रहेगी, ठीक है। और s की वैल्यू के लिए आपको पता है +1/2 या फिर -1/2, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब जो आप मेरे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें चेक कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट,
फर्स्ट क्या है, 3 2 माइनस टू और प्लस, सो ये मेरे पास वैलिड मुझे दिख रही है कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या है, वैलिड है। अब नेक्स्ट है 2 0 0 और माइनस हाफ, ये भी मेरे पास वैलिड है। अब यहां पर देखो n की वैल्यू इज इक्वल टू l होगी, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर हमने हम देखते हैं कि l की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, वो कभी भी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू n नहीं होगी। सो c मेरे पास एक तो हो गया आंसर। अब इसमें देखें इसमें क्या है, 4 3 माइनस और माइनस हाफ, सो इसमें भी मुझे ये क्या दिख रहा है, वैलिड सेट ऑफ क्वांटम दिख रहा है। सो आपको क्या बताना है, वैलिड के इनवैलिड, सो आपको बताना है वैलिड। सो वैलिड में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी और डी, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके क्वेश्चन का। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन है मेरे पास, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या पूछी गई है, सो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, इन द डी एक्स टू माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, सो ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है। अब इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप कुछ ऐसी रहती है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो इसमें बोल रहे हैं कि मुझे टू नोडल प्लेन मिलेंगे। अब नोडल प्लेन क्या होते हैं, ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। बट यहाँ पर मुझे कोई भी नोडल प्लेन नहीं मिलता, यहाँ पर मुझे एक लाइन पास करनी पड़ती है, कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर, वहां पर मुझे नोडल मिलेगा, ठीक है। सो इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट है ना कि एक्स जेड और वाई जेड मेरे पास नोडल प्लेन है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। अब बी में क्या बोल रहे हैं कि डी एक्स वाई और आपके पास है पी जेड हैज वन कॉमन नोडल प्लेन, सो नोडल प्लेन के लिए चेक कर लेते हैं, फर्स्ट चेक कर लेते हैं डी एक्स वाई के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए, शेप आनी चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास जो शेप है वो कुछ ऐसी बनेगी। अब यहाँ पर नोडल प्लेन कौन कौन सा होगा, सो नोडल प्लेन के लिए देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर इस एक्सिस को, इसको जेड मान लीजिए, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा एक्स और जेड में मुझे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही, सॉरी एक्स और जेड में मुझे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही, और ऐसे सेम वाई और जेड में भी मुझे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इट मीन्स यहाँ पर नोडल प्लेन क्या होगा, इसके लिए नोडल प्लेन हो जाएगा एक्स जेड और वाई जेड। अब पी जेड के लिए नोडल प्लेन देख लेते हैं, सो पी जेड के लिए मेरे पास जो नोडल प्लेन है वो कैसा होगा, ये एक्स मान लीजिए, ये जेड हो गया मेरे पास, सो इसके लिए स्ट्रक्चर कुछ शेप ऐसी बन जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए ये मेरे पास अब कौन सी एक्सिस है, वाई है। अब देखिए y और x में मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही, इट मींस यहाँ पर जो नोडल प्लेन होगा ये इसके लिए होगा एक्स वाई। क्या इन दोनों में आपको कोई कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस आपके पास जो बी स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है m इज इक्वल टू 2 फॉर 4d सबशेल इज नॉट पॉसिबल। अब n की वैल्यू कितनी है, 4 है, और m की वैल्यू डिपेंड करती है l पर, l की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 0 1 2 और 3 हो सकते हैं, कोई भी पॉसिबल है। अब m की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 और 3 दिख रहा है, इट मींस जो l m की वैल्यू होगी वो -2 से लेकर +2 तक जाएगी इंक्लूडिंग 0, और -3 से लेके इंक्लूडिंग 0 +3 तक भी जाएगी, और 0 और -1 से लेके -1 से लेकर 0 और +1 भी होगी, और मुझे क्या है m की वैल्यू -2 4d के लिए ये बोल रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं होगी। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4d सबशेल मेंशन है, और 4d में मींस l की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, l की वैल्यू 2 है, सो इट मींस m की पॉसिबल वैल्यूज ये वाली होगी, सो यहाँ पर तो मुझे 2 दिख रहा है, सो सी स्टेटमेंट भी आपके पास क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। डी ऑप्शन में देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2 12 + 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल,
सो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2L+1 होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला गिवन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे इतने मिलेंगे, ये मेरे पास क्या है, करेक्ट है, बट इनकरेक्ट कौन कौन से, ए बी और सी। सो इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी और सी। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास गिवन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट गिवन है 4 और उसमें से मुझे बताना है कि कौन से स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन एन इज इक्वल टू 5। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, जब मेरे पास शेल की वैल्यू कितनी है, 5 है, उसमें जब जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस हाफ स्पिन और माइनस हाफ स्पिन के इक्वल नंबर में मुझे मिलेंगे। सो इट मीन्स यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, टोटल, पहले तो बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे मुझे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, कौन सा शेल है मेरे पास, 5th नंबर का शेल है, तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम, एन का स्क्वायर करने से मुझे मिलता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो मींस यहाँ पर मेरे पास 25 इंटू 2 किया तो मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो 50 इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें से 25 जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो प्लस हाफ के होंगे और 25 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, माइनस हाफ स्पिन के साथ होंगे। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है कि प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन के मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, इन हाइड्रोजन लाइक एटम एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, 2s और 2p सबशेल की। सिस्टम कौन सा है, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है, तो यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू डिसाइड करते हैं, सो एनर्जी की जो वैल्यू हम डिसाइड करते हैं किस पर, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू पर, किस पे बेस्ड हम करेंगे, n की वैल्यू पर। सो 2s और 2p इनमें n की वैल्यू सेम है, इट मींस यहाँ पर n की वैल्यू अगर सेम है तो इनकी एनर्जी भी सेम रहेगी। बी स्टेटमेंट में इन्होंने सेम बोला है क्या, नहीं, इन्होंने बोला है मोर देन, सो इट मींस बी स्टेटमेंट मेरे पास हो जाएगी इनकरेक्ट। अब बात करते हैं सी की, टोटल नंबर ऑफ सॉरी द एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल इन ओनली मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, मींस अब मेरे पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो वहां पर जो एनर्जी का डिसाइड करते हैं हम कैसे करते हैं, ऑफर रूल के अकॉर्डिंग एन प्लस एल। सो यहाँ पर भी यही चीज लिखी है, तो इट मीन सी स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी आपके पास इनकरेक्ट होगी, और डी ऑप्शन में भी क्या मेंशन है कि सिंगल में, जब मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एन प्लस एल से मैं एनर्जी की वैल्यू डिसाइड करूंगी, सो ये भी मेरे पास होगी इनकरेक्ट। सो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास। तो क्वेश्चन है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन द वैलेंसी शेल ऑफ एटम व्हिच हैव टोटल s इलेक्ट्रॉन एंड टोटल p इलेक्ट्रॉन्स इन सेम नंबर इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इट मींस यहां पर मुझे ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जिसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ s के इलेक्ट्रॉन हो और सेम नंबर ऑफ पी के इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें ऐसी कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखनी है। देन मुझे चेक करना है कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने बचे। चलिए सो हम स्टार्ट करेंगे 1s से। सो पहले मैंने क्या लिखा, 1s2 2s2। सो यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरे पास s में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, सो यहाँ पर s में मेरे पास s सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब स्टेटमेंट पढ़िए, टोटल p इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, सो इट मींस अब मुझे यहाँ पर p के इलेक्ट्रॉन को भी सेम करना है। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 2p 4। अब s में भी इलेक्ट्रॉन 4 है और p में भी इलेक्ट्रॉन 4 है। अब नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि वैकेंट ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल क्या, 2p। अब यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, कि यहाँ पर 2d एग्जिस्ट करेगा, 2d एग्जिस्ट नहीं करता। इट मींस एक तो मेरे पास ऐसा केस हो गया
कि जिसमें s और p के इलेक्ट्रॉन सेम है वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल कितना हो सकते हैं, जीरो। सो एक केस हो गया जिसमें मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा जीरो, इस केस में वैकेंट ऑर्बिटल मेरे पास आ गया जीरो। अब इसको मैं थोड़ा आगे और मूव करूं, अब मैंने नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2, 2s2, 2p6। अब p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, 6 कर दिए। अब मेरी कोशिश है कि मैं s में भी सेम करूं, s में 4 हो चुके हैं, नेक्स्ट मेरे पास s सबशेल आने वाला है, कौन सा, 3s। सो इसमें भी मैंने कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। सो अब s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और p में भी मेरे पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गया सेम। अब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल की बात आती है, अब हम थर्ड शेल में चले गए, सो इट मींस यहां पर 3p भी अवेलेबल होगा और 3d भी अवेलेबल होगा। p के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, 3। सो यहां से मेरे पास 3 वैकेंट ऑर्बिटल मुझे मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं d की, सो d में मेरे पास 5 वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएंगे। सो टोटल वैकेंट ऑर्बिटल कितने होंगे इस केस में, 8। सो इस केस में मेरे पास 8 मुझे वैकेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे, वीओ मींस वैकेंट ऑर्बिटल। सो आप आंसर देखिए, यहां से एक तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, देन 5 यहां पर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे पास 5 हो, ठीक है, देन 4 भी नहीं पॉसिबल मेरे पास। अब नेक्स्ट है डी, कितना, 8। सो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए एंड डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास और हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल आर इन्वॉल्व फॉर 6 पीरियड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो यहां पर किस पीरियड की बात की है, 6 पीरियड की बात की है। अब 6 पीरियड आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है कि 6s से स्टार्ट होगा और 6p तक खत्म हो रहा है। अब बात आती है कि इसके बीच में और कौन कौन होगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां से रिवर्स चलना स्टार्ट कर देना है। यहां पर कितना लिखा है, p लिखा है, एक साइड यहां पर l की वैल्यू लिख लीजिए, l की वैल्यू कितनी, 0, 1, 2, 3, यहां पर लिख लीजिए आप n की वैल्यू, 1, चलो n की वैल्यू रहने दो यहां पर। अब देखो यहां पर क्या करना है, आपको एक वैल्यू पीछे आना है। सो कितना है यहां पर, 5 है, 6 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5। अब p से एक सबशेल और आगे मेरे पास कौन सा होगा, p के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है, ये s है, ये p है, ये d है और ये f है। सो p के जस्ट बाद मेरे पास क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा d। सो इट मींस एक तो यहां पर हो जाएगा 5d। अब नेक्स्ट एक और अगर मैं कम करूं तो यहां पर आ जाएगा 4, और d के बाद क्या आ रहा है, f आ रहा है, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा f। अब इसको अगर मैं और लेकर आगे लेकर चलूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3, और f के बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, s p d f g h। सो यहां पर 4 और यहां पर ये हो जाएगा 5। चलिए सो यहां पर हो गया 5। अब देखो जब मैंने यहां पर 3 लिख दिया, अब f के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, g। अब मैंने चेक की n की वैल्यू इस केस में मेरे पास कितनी है, 3 है, और l की वैल्यू देखिए, l की वैल्यू मेरे पास यहां पर आ गई 4, यहां पर मेरे पास 4 आगे। अब यहां पर l की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी, क्या ये पॉसिबल है, ये केस मेरे पास पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस यहां पर 3g मेरा नहीं आएगा, 3g का ऑर्बिटल यहां पर नहीं आएगा, क्लियर। सो यहां पर अगर आंसर की बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, a ऑप्शन, b ऑप्शन, c ऑप्शन हो जाएगा, d ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा। सो आपका आंसर हो जाएगा a, b और c। सो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, जिस पीरियड के लिए पूछा है वहां पर s और p उसका लिख दीजिए, a कम करते जाइए और वहां से n और l की वैल्यू जो है वो कंपेयर करते चलिए। अगर तो n की वैल्यू लेस देन है l से तब तो ठीक है, बट जब l की वैल्यू बड़ी हो जाएगी किससे, n से, देन उस केस में आपको वहीं पर रुक जाना है। सो आपका आंसर a, b और c हो जाएगा। सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, चलिए। सो विच इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड हैविंग कंप्लीटेड थर्ड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। अब थर्ड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मींस यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3,
सो एन की वैल्यू 3 है, इट मीन्स थर्ड एनर्जी शेल तक मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या देखते हैं, किसी भी शेल में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कितना हो जाएगा, यहां पर थर्ड पर 3 का स्क्वायर इंटू 2, सो इट मीन्स यहां पर हो जाएगा 18। सो इट मीन्स जब मेरे पास प्रिंसिपल लेवल थर्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वहां पर मैक्सिमम कितने होंगे, 18 होंगे। तो यहाँ पर पूछा है कंप्लीटेड थर्ड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। सो कॉन्फिगरेशन में देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर कितना लिखा रहा है, 6, मीन्स ये मेरा आंसर नहीं होगा, हमें सिर्फ थर्ड तक देखना है। यहाँ पर 10 आ रहा है तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सी की, सो यहाँ पर 18 आ रहा है सो इट मीन्स सी मेरा एक आंसर होगा, देन यहाँ पर भी 18 आ रहा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी एंड डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन है आपके पास, चार स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास है, फर्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एल इज इक्वल टू 0 इन प्लेटिनम इज इक्वल टू 10। सो सबसे पहले आपको इसके लिए कॉन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना होता है प्लेटिनम के लिए, 46। कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन नेक्स्ट आएगा आपके पास 4s2, 3d10, 4p6, 5s और नेक्स्ट आपके पास आएगा 4d। अब 46 है इसका एटॉमिक नंबर, सो यहाँ पर आने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आने चाहिए 8। ये होती है इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फिगरेशन, बट रियल में क्या होता है, यहाँ पर होते हैं 0 इलेक्ट्रॉन और यहाँ d में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। सो अब l की वैल्यू 0 किस केस में पॉसिबल है, s के केस में, सो यहाँ पर कहाँ पर s, कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सो अगर मैं देखूं जब l की वैल्यू 0 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस केस में मेरे पास पॉसिबल है वो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट मींस यहाँ से मेरी ए स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी, इनकरेक्ट। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज आर द सेम। सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्रोमियम के लिए मेरे पास कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 4s1, 3d में कितना आ जाएगा, 5, एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन होती है। देन मैंगनीज, सो मैंगनीज के लिए एटॉमिक नंबर 25, क्रोमियम के लिए 24, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2, 3d 6 के 5 आ जाएगा, कितना है एटॉमिक नंबर, 25 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। सो डी में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, सो इट मींस बी स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट के करेक्ट, करेक्ट बट मुझे क्या बोला गया, इनकरेक्ट। सो एक तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट देखो सी, सी में क्या, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू दैट ऑफ Ni+2। सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टीप्लिसिटी, अब मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, टोटल स्पिन 2 इंटू टोटल स्पिन प्लस 1। अब आयरन के केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर टोटल स्पिन कितने होंगे, सो आयरन के लिए कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, आयरन के लिए मेरे पास कॉन्फिगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2, 3d में कितना, 6 हो गया यहां पर। अब 6 मतलब यहां पर कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगी। अब इन दोनों का तो स्पिन के ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल स्पिन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, प्लस हाफ इसका और प्लस हाफ इसका, सो कितना हो गया, 4/2। सो यहाँ पर अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 × 4/2 + 1, सो यहाँ पर मेरे पास मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 5। किसके केस में, आयरन के केस में मल्टीप्लिसिटी 5 आ चुकी है। अब निकल के लिए बोल रहे हैं कि निकल के साथ सेम है, निकल के लिए देखिए
प्लस टू के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, आर्गन। 4s में अब कितना होगा, जीरो, क्योंकि प्लस टू है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो होता है आउटर मोस्ट शेल से, तो 4s से इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d, एटॉमिक नंबर 28, सो यहां पर हो जाएगा 8। सो अगर इन 8 की बात करूं तो यहां पर कैसे अरेंज होंगे, यहां पर इस ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, सो यहां पर कितने अनपेयर्ड है, दो अनपेयर्ड है, ठीक है। और अगर मैं टोटल स्पिन की बात करूं तो यहां पर कितना आएगा आपके पास स्पिन, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन आएगा, बाकी ये जो पेयर है इनका तो स्पिन जो है वो कैंसिल आउट कर जाएगा प्लस हाफ और माइनस हाफ से अगर आप करोगे। सो यहाँ पर कितना, क्या यहाँ पर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आयरन के साथ इक्वल होगी, नहीं होगी। उसमें कितने स्पिन मुझे मिल रहे थे, टोटल स्पिन 4/2 मिल रहे थे मुझे वहां पर, क्लियर है। सो इट मीन्स सी स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। अब बात कर लेते हैं हम डी स्टेटमेंट की। अब डी स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है, डी स्टेटमेंट है आपके पास कि वैल्यू ऑफ एल बाय एन ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57। अब 57 जो है एटॉमिक नंबर किसका होता है, लैंथेनम का। लैंथेनम की जो कॉन्फिगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीनॉन 6s2 5d1 हो जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी हो जाएगी लैंथेनम के लिए। अब यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया है, 5d में। सो n की वैल्यू यहां पर कितनी है, सो यहां पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, n की वैल्यू मेरे पास है 5 और l की मेरे पास वैल्यू कितनी है 2। सो यहां पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 5 और 2 वैल्यू आ चुकी है। आपको कौन सी रेशियो निकालनी है, एल बाय एन। सो एल मेरे पास कितना है, 2 डिवाइडेड बाय कितना, 5। सो इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी। सो इट मींस यहां से आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए और सी ऑप्शन, बी और डी आपके पास होंगी करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको क्या करना है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर बताना है कि किसमें इनकरेक्ट है। सो पैरामैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होंगे वो मेरे पास कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। सो चेक कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इन सब के क्या कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है, मेरे पास दो ग्रुप है जिसमें अलग अलग एलिमेंट है, क्रोमियम। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 4s1 3d5। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास निकल। सो निकल के लिए एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 28। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 3d8। देन आयरन, आयरन के लिए एटॉमिक नंबर 26। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 3d6। देन है कॉपर। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 रहेगा, सो यहां से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 4s1 और 3d10। सो यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि कितने होंगे। सो देखिए क्रोमियम के केस में यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो है 5 1 2 3 4 5। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। सेकंड देखिए डी 3d8। सो 3d8 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आयरन के केस में, सो आयरन के केस में मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो इस केस में मेरे पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है मेरे पास कॉपर। कॉपर में डी जो है फुली फिल्ड है। अब क्रोमियम में देखिए, क्रोमियम यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 4s में भी है। अब डी में देखिए फुली फिल्ड है, तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं लिखूं पैरामैग्नेटिज्म का ऑर्डर, सो वो कैसा होगा,
तो जिसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें पैरामैग्नेटिक रिएक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। सो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर मेरे पास क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक जो होगा वो कौन होगा, क्रोमियम। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, आयरन, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। देन सेकेंड थर्ड नंबर पर मेरे पास आ जाएगा निकल, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा कॉपर जिसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास करेक्ट ऑर्डर हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? सो ये मेरे पास करेक्ट ऑर्डर है, इट मींस मुझे इनकरेक्ट बताना है। सो यहां से बी हो गया मेरे पास इनकरेक्ट, ए मेरे पास था करेक्ट ऑर्डर। अब नेक्स्ट है मेरे पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो इनके लिए भी देख लेते हैं, कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। सो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, नियॉन 3s2। देन मेरे पास हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p1। और नेक्स्ट है मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 1s2 2s2, 2p में कितना, 4। लास्ट है नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन के केस में 1s2 2s2 2p3। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एल्युमिनियम में कितने हैं, 1 है। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन मेरे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और नाइट्रोजन में मेरे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है पी सबशेल में। सो यहां पर चेक कर लो ऑर्डर क्या होना चाहिए था फिर। सो ऑर्डर मेरे पास होगा नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर, देन ऑक्सीजन, देन एल्यूमिनियम, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा मैग्नीशियम। तो ये मेरे पास करेक्ट ऑर्डर होता। सो ऐसा ऑर्डर आपको कहीं दिख रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो सी ऑप्शन आपके पास ऐसा ऑर्डर है जो क्या है, करेक्ट ऑर्डर। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी। सो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, सो क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज इज और आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो आपके पास होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट के हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ। सो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एन एन प्लस टू। सो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन एन प्लस टू। सो यहां पर आपको एन जो है वो क्या है, आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। एन मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इट मींस यहां से भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने के कितना होगा, सबसे पहले मेरे पास मैग्नीज प्लस टू, अटोमिक नंबर 25, कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 4s और 3d, 4s में 2 और 3d में 5। अब यहां पर कितना चार्ज है, प्लस 2 का, तो इलेक्ट्रॉन किससे बाहर जाएगा, d में से के 4s से। सो जो भी आपके पास आउटर मोस्ट शेल होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n जो होगी, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको क्या बताएगा, आउटर मोस्ट शेल। सो यहाँ से आपका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है, फोर्थ। सो मीन्स सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा वो फोर्थ में, 4s में से जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर मेरे पास हो गए मैंगनीज, मैंगनीज प्लस 2 में 5 हो गए मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, सोडियम। सो सोडियम के केस में यहां पर कितना हो जाएगा, नियॉन 3s1। अब यहां पर प्लस 1 का चार्ज है, इट मींस यहां से इस 3 से इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा, तो अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन सेम कैसी हो जाएगी, जैसे नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है। सो इट मींस यहां पर मेरे पास जो बचेगा 2s2 2p6। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई है, यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। सो इट मींस यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर सेम होते तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैसी आती, सेम, बट डिफरेंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। सो एक तो हो गया आपका आंसर ए। अब बी में देखिए, बी में कि मेरे पास क्या है, कोबाल्ट प्लस 3, 27 अटोमिक नंबर। सो यहाँ पर कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 4s2 3d7।
सो यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा, पहले 4s में से जाएगा, देन 3d7 में से जाएगा। तो कॉन्फिगरेशन जो है मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगी 3d6, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर कॉन्फिगरेशन होगी 3d6। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब और क्या है, आयरन प्लस 3। सो आयरन प्लस 3 के लिए एटॉमिक नंबर 26। सो आर्गन यहाँ पर कितना, 4s से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर 0। 3d में मेरे पास रहता है 6, बट उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। सो इन दोनों का भी मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट आएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट। सो एक तो आपका बी भी आंसर हो गया। अब है सी ऑप्शन। सी में क्या है मेरे पास, जिंक, जिंक प्लस 2। कॉन्फिगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d10। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 0। कितना प्लस 2 था, हाँ। सो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 0 आएंगे क्या। देखिए यहाँ पर क्या है, जिंक प्लस 2 ना, यहाँ पर 4s2 और 3d10 होगा आपके पास। इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने हैं तो किस में से जाएंगे, 4s में से जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 3d10। अब नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन। सो क्लोरीन के केस में मेरे पास जो कॉन्फिगरेशन है वो क्या होगी, नियॉन 3s2 3p5। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। इन दोनों में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ए बी और सी अभी तक के लिए। अब डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी में जिंक प्लस 2। सो कॉन्फिगरेशन सेम जैसे हमने ऊपर लिखी है, आर्गन 3d10 हो जाएगी। और सोडियम प्लस के लिए हमने यहाँ पर भी निकाली थी, क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। सो दोनों में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी और सी। सो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू आपके पास गिवन है। एटॉमिक नंबर किसके लिए, 33 के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर कितने हैं, 33 है। एलिमेंट है आपके पास है आर्सेनिक। अब इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू गिवन है कितनी है, 6.30। सो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 6.30। अब जेड इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। अब मुझे सबसे पहला जो काम होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगी, आर्गन 4s2 3d10 और 4p कितना हो जाएगा 1। एटॉमिक नंबर 33 है तो कितना आ गया, 4p1। अब जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए हम जो स्टेप फॉलो करते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एन ऑर्डर में अरेंज करें। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरी एक्सपेंड वर्जन में आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। एटॉमिक नंबर कितना, 33 है। सो 10 यहाँ पर हो गया 20, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 3। कौन सी फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है आर्सेनिक, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें क्या कर लेनी होती है, पेयरिंग। ये इसका पेयर बन गया, ठीक है। अब लास्ट शेल को मानो आप n, ये मेरे पास हो जाएगा n-1 और ये मेरे पास n-2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब जो n में इलेक्ट्रॉन है उनके लिए हम जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितना यूज करते हैं, 0.35, और इनके लिए 0.85, और आगे जितने भी मेरे पास बचेंगे उनके लिए क्या करेंगे, 1 यूज करेंगे स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू, कॉन्स्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास जेड इफेक्टिव आया है। सो यहाँ पर आप बताओ
अगर मुझे पी के लिए चेक करना है जेड इफेक्टिव, सो एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है तो उसको एक को कम कर दूंगी, तो अब यहाँ पर मैं कितना लिखती है टू, एक के लिए तो मुझे पता ही करना है, सो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4 × 0.35 प्लस यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 18 × 0.85 करोगे, सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा सिग्मा, टोटल सिग्मा की वैल्यू कुछ मिलेगी, फिर वहां से आप क्या करोगे जेड इफेक्टिव के लिए 33 माइनस सिग्मा करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.30। अब अगर मैं 4p के लिए निकालू तब भी मेरे यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर मैं p के लिए निकालू, अगर मैं s के लिए जेड इफेक्टिव निकालू तो s में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दू तब भी इस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, सो इट मीन्स ये मेरे पास जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है ये किस किस के लिए सेम होगी, 4s के लिए भी सेम आएगी, 4p के लिए भी सेम आएगी। अब आपका आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, आउटरमोस्ट शेल आपके पास होगा फोर्थ, उसमें 4s और 4p है, इट मींस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भी आपका जो होगा उसके लिए भी आपके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी। अब 3d इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर आ रहा है, सो जेड इफेक्टिव में हमने पढ़ा था कि इसके राइट हैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसका कोई भी रोल नहीं होता जेड इफेक्टिव पर, सो इट मींस इसको हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे जब हम 3d10 के लिए जेड इफेक्टिव निकालेंगे, सो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा ए बी और डी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मुझे करेक्ट रिलेशन बताने हैं जेड इफेक्टिव के लिए। सबसे पहले तो जेड इफेक्टिव जो होता है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सो जेड इफेक्टिव को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, सो सिग्मा आपके पास होता है यहाँ पर स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन है सोडियम प्लस और किसमें मैग्नीशियम प्लस टू में, सो हम इसको और कैसे देख सकते हैं, अगर आपको विद फॉर्मूला नहीं करना तो आप इसको कैसे चेक करोगे, देखिए यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने हैं 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर 10 है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है और इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है कितने 10, सो ज्यादा जो जेड इफेक्टिव होगा वो किस पे लगेगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे वो यहाँ पर चार्ज 12 का लग रहा है और यहाँ पर कितने का लग रहा है 11 का, सेम चार्ज लग रहे हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है ज्यादा है, इट मींस सेट इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी मैग्नीशियम प्लस टू के केस में क्या होगी ज्यादा होगी, क्या रिलेशन ये गिवन है करेक्ट, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब बी चेक कीजिए, बी में मेरे पास क्या है हीलियम, सेम वही चीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे मेरे पास और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने यहाँ पर 2 हो गए। अब बात कर लेते हैं ब्रिलियम प्लस 2 के लिए, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने हैं 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो ज्यादा इफेक्टिव चार्ज किस पे लगेगा जिसमें जेड इफेक्टिव किसमें ज्यादा लगेगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है वो उतने इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगाएगा, सो यहाँ पर ऑर्डर की अगर बात करूँ तो ब्रिलियम प्लस 2 के केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, यही ऑर्डर दिया हुआ है तो मीन्स बी भी मेरे पास क्या है करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं सी के केस में, सी में मैग्नीशियम और क्या है कैल्शियम, अब यहां पर क्या है हम डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं, सो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है हमारे पास जो जेड इफेक्टिव है ना डाउन द ग्रुप जाने पर इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट आने लग जाती है, सो इस केस में मेरे पास जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, सो आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वहां पर सिग्मा की वैल्यूज लिखोगे देन स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपके पास आएगा उसको आपको जेड से माइनस कर देना है, तो आप वहां पर देखोगे कि दोनों के जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो सेम आ रही होगी। अब बात करते हैं डी के लिए, सो डी में मेरे पास क्या है एल्यूमिनियम प्लस 3 और सोडियम प्लस, सो चेक करो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है इसमें 13, यहाँ पर 11 है और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी कितने हैं 10 है, तो ज्यादा इफेक्टिव चार्ज किस पे लगेगा, ज्यादा इफेक्टिव चार्ज किस पे लगेगा जिसमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे ज्यादा होंगे, सो इट मीन्स यहां से जो मेरे पास
आंसर मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी और सी। सो मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर होगा एल्यूमिनियम का, कि एल्यूमिनियम पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों केसेस में क्या है, सेम है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए बी और सी। सो क्वेश्चन है मेरे पास, पैराग्राफ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या गिवन है आपको। सो क्वांटम नंबर आपके पास गिवन है, आपको सिंपली एन प्लस एल का रूल लगाना है, वहां से देखना है कि किसकी वैल्यू मिनिमम है और किसकी वैल्यू मैक्सिमम है। और वाइटल कौन कौन से गिवन है मेरे पास, 6s, 5p, 4d, 2p और 3s और 2s। इसको तो हम अगर n प्लस n रूल ना भी लगाए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगी कि सबसे पहले तो 2s आएगा, फिर उसके नेक्स्ट 2p आ जाएगा, उसके नेक्स्ट 3s आ जाएगा, 3s के बाद क्या और कुछ है, 3s के बाद मेरे पास आ जाएगा 5p, 5p के बाद मेरे पास, सॉरी यहां पर आ जाएगा 40 और फिर 5p और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 6s। देन आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। बाय चांस अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा कि क्या होगा, तब आप n प्लस एल लगाओ। चलिए काउंट कर लेते हैं, यहां पर n की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 0 है, तो कितना आ गया, 2 हो गया। यहाँ पर कितना, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 वैल्यू आ जाएगी। इस केस में 3 प्लस 0 किया, यहाँ पर भी 3 आ गया। 4 प्लस 2 किया, कितना हो गया, 6 हो गया। सेम यहाँ पर कितना, 5 प्लस 1 6 हो गया, यहाँ पर भी कितना, 6 प्लस 1 0 किया तो कितना आ गया, 6। क्या क्लियर है? अब मुझे चेक करना है मिनिमम, सबसे पहले क्या पूछा है, मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम मुझे फाइंड आउट करना है। सो मैक्सिमम मेरे पास आ रही है 6 आ रही है, बट अब n की वैल्यू सेम है तो मैं कैसे चेक करूंगी, n प्लस l की वैल्यू सेम है तो मैं अब सिंपली n की वैल्यू देखूंगी। सो n की हाईएस्ट वैल्यू जिसकी होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। सो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है n की वो कितनी है, 6। सो इट मीन्स मैक्सिमम जो मेरे पास एनर्जी होगी वो किसके लिए हो जाएगी, 6s के लिए, और मिनिमम के केस में 2 सिर्फ इस केस में आ रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2s। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी पैराग्राफ का, 3 क्वांटम नंबर, ठीक है सेम पैराग्राफ है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। सबसे पहली स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन के लिए कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन आपके पास है 1s1। सो पहली स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन एटम कैन बी प्लेस बोथ इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 18। सो ग्रुप नंबर 18 आपके पास क्या होते हैं, नोबल गैसेस। तो ये 18 में तो प्लेस नहीं होगा, यहाँ पर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सो इट मींस ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास हो जाएगी इनकरेक्ट। अब सेकंड है, एच माइनस इज द लार्जेस्ट अनाइन देन बी माइनस साइन। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि एच माइनस जो मेरे पास अनाइन बनता है उस केस में इसका साइज बड़ा होता है किससे, ब्रोमीन आइन के साइज से भी। सो ये वाला फैक्ट जो है ना ये आपको ध्यान में रखना है। अब सो इट मींस बी स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट होगी। अब सी में देखिए, एच एटम प्रोड्यूस स्मॉलेस्ट अनाइन इन रियलिटी। सो ये अनाइन तो था जिसका हमने साइज की बात की कि बड़ा होगा किससे, ब्रोमीन माइनस के आइन से भी, ब्रोमीन के आइन से भी बड़ा है इसका साइज। अब डी स्टेटमेंट है कि 2s 2p 3s ऑर्बिटल्स आर नॉट अवेलेबल इन एच एटम। सो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसमें है, 1s1 में है, बट ऑर्बिटल तो अवेलेबल होंगे, तभी तो हम इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा कर ऊपर ऊपर लेकर चलते हैं, ऑर्बिटल है तभी तो हम एक्साइटेशन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। सो इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ 1s1 में है, बट ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल होंगे, 2s 2p और 3s भी अवेलेबल होंगे। सो यहाँ से ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी, तो आपका आंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, आंसर हो गया बी। सो पैराग्राफ बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है। सो पैराग्राफ जो है वो किसके बेस पर है, जेड इफेक्टिव पर। सो क्वेश्चन है आपके पास कि जेड इफेक्टिव जो हम कैलकुलेट करते हैं, यहां पर गिवन है कि जेड इफेक्टिव हम कैलकुलेट करते हैं जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं। सो आपको यहाँ पर जेड इफेक्टिव किसके लिए कैलकुलेट करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन कार्बन। सो सबसे पहला जो काम होगा
वो क्या होगा, सबसे पहला जो काम होगा वो होगा आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p2। अब सेकंड स्टेप है कि मुझे एन ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सो ये ऑलरेडी अरेंज है तो वो वाला स्टेप हम निगलेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में हमें, थर्ड स्टेप है मेरे पास कि इसको पेयरिंग कर लेंगे हम। ये 2s और 2p का पेयर हो गया। अब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे फाइंड आउट करना है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। सो जैसे 2p कितना आउटमोस्ट के लिए पता करना है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये मेरे पास एन हो गया, ये एन माइनस वन हो गया। सो इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 3 × 0.35। सिग्मा की वैल्यू हम एन के केस में जब मुझे एस और पी के लिए काउंट करना होता है, तो एस एंड पी के लिए जब मुझे काउंट करना होता है तो एन की वैल्यू कितनी होती है 0.35, और एन माइनस वन के लिए हम कितनी यूज करते हैं 0.85। सो यहाँ से हम सिग्मा काउंट कर रहे हैं प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 2 × 0.85। सो यहाँ से आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। देन आपको क्या करना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। सो जेड इफेक्टिव आपके पास कितना हो जाएगा 6 माइनस, सो यहाँ से अगर मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2.75। और 2.75 को अगर मैंने यहाँ से 6 से माइनस किया तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 3.25। सो इट मीन्स इस केस में आपके पास जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 3.25, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी बेस पर सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में मुझे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। पहले में मुझे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना था, बट इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग कांस्टेंट तक फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो जिंक की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब सेकंड स्टेप है मुझे इसको एन ऑर्डर में अरेंज करना है। सो कर लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब यहां पर आ जाएगा 3d10 और 4s2। अब किसके लिए, 4s का इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे फाइंड आउट करना है। तो मींस एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर साइड पे रखती हूँ जिस पे मुझे फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर पेयर कर लेते हैं, ये एस वाला पेयर हो गया, ये डी का हो गया, ये एस और पी का हो गया, ये एस और पी का, ये एस का हो गया। सो इसको मैंने नेम दिया एन, ये मेरे पास हो जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड एन माइनस थ्री। अब एन के लिए हम कितना काउंट करते हैं, सिग्मा की वैल्यू 0.5, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितना 0.5, और n माइनस वन के लिए कितना 0.85, और बाकी सब के लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो इट मीन्स सिग्मा की वैल्यू अब कितनी होगी 1 × 0.35 प्लस यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18 × 0.85 प्लस यहाँ पर कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो 10 × 1। सो यहाँ से आपके कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25.65। सो ये आपके पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी। सो पैराग्राफ क्वेश्चन है मेरे पास। सो क्वेश्चन है, इसमें मैनी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी होती है जिनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 0। चलिए सो इट मींस इस क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। सो कॉन्फिगरेशन आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए आपको। सो आयरन प्लस टू के लिए कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन, एटॉमिक नंबर कितना है 26। सो कॉन्फिगरेशन आर्गन 4s2, 3d में कितना हो जाएगा 6। अब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पहले बाहर जाएगा, प्लस 2 का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन किससे बाहर जाएगा, 4s से कि 3d से, 4s से, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। सो इट मींस यहां पर बाहर गया तो 4s कितना हो गया 0। अब नेक्स्ट है मेरे पास जिंक, जिंक प्लस टू, कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी आर्गन, एटॉमिक नंबर होता है 30।
सो कॉन्फिगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 3g10, बट यहाँ पर प्लस 2 का चार्ज है तो 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4s0 3d10। नेक्स्ट मेरे पास आयरन प्लस 3, सो यहाँ पर 2 के लिए लिखा हुआ है, सो प्लस 3 के लिए मेरे पास अब एस में से इलेक्ट्रॉन चले गए। अब नेक्स्ट किस में से जाएंगे, डी में से, तो 3d5 हो गया। ओके नेक्स्ट है कोबाल्ट प्लस 3, सो कोबाल्ट प्लस 3 में एटॉमिक नंबर 27, कॉन्फिगरेशन आर्गन 4s2 3d7, सो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d से, सो यहां पर हो जाएगा 6। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे मिल जाएंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस केस में मुझे मिलेंगे 0, यहां पर 5 अनपेड, इसमें भी मिल जाएंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। हमें क्या देखना है, डायमैग्नेटिक, सो डायमैग्नेटिक यहां पर कौन सा होगा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो, 0। सो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच स्पीशीज हैज द सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी एज दैट ऑफ मैंगनीज प्लस 2। सो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरे पास। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपने हुंस रूल में पढ़ा होगा, सो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 × टोटल स्पिन प्लस 1। सो यहाँ पर अगर मुझे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम देखनी है तो इट मीन्स यहाँ पर टोटल स्पिन मेरे पास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं मैंगनीज प्लस 2 में कितना स्पिन आ रहा है, मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है। आर्गन 4s कितना होगा यहाँ पर, 0। 3d में कितना आ जाएगा, 5। एटॉमिक नंबर 25 रहता है। सो यहाँ पर टोटल स्पिन की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पर टोटल स्पिन कितना है, प्लस ऑफ कितना, 5 बार। सो s टोटल स्पिन मेरे पास 5/2 आ रहा है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 2 × 5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मेरे पास 6 आ रही है। सो अब जो मेरे पास गिवन है स्पेशीज उसमें चेक कर लेते हैं कितना है, क्रोमियम प्लस। सो क्रोमियम प्लस है यहाँ पर, एटॉमिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, आर्गन 4s एक इलेक्ट्रॉन होगा बट प्लस का चार्ज है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से बाहर जाए, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो 4s0 3d5। सो यहाँ पर तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी टोटल स्पिन 5/2 बन रहा होगा। अब उसके बाद है आयरन प्लस 3, सो आयरन प्लस 3 में कॉन्फिगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d5, एटॉमिक नंबर होता है 26 इसका। नेक्स्ट है कोबाल्ट प्लस 4, सो यहाँ पर कोबाल्ट प्लस 4 के केस में यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है 27 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 4s2 3d7, दो चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन 4s से और दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d7 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d5। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन सब में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पर टोटल स्पिन भी सबके केस में कितना होगा, 5/2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सो आपके पास कॉलम 1 में गिवन है आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर और आइसोटोन, तो इनकी डेफिनेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ से बता पाओगे कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा आइसो डायफर है, कौन सा आइसो बार है। तो उसके लिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो आइसो का मीन्स होता है सेम और बार मतलब कुछ वेट से रिलेट हो रहा है जिसमें सेम वेट हो, तो यहाँ से सेम मास किस में आ रहा है, ऑप्शन क्यू में आ रहा है, सो इट मीन्स ए के लिए मेरे पास हो जाएगा क्यू। अब नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें हो उसको मैं क्या बोलूंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो यहाँ पर जितने भी मेरे पास पेयर गिवन है उसमें से किस पेयर, कौन सा एस पेयर है, बाकी सब में तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी के लिए मेरे पास एस आ जाएगा। बट चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए आप दो मेथड है, या तो आप पूरे इलेक्ट्रॉन लिखो
कि किस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करो, या फिर आप इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। जैसे सिलिकॉन के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, ऑक्सीजन के लिए 6 होगा, कितनी ऑक्सीजन है 4 है और इलेक्ट्रॉन माइनस 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन और आगे, तो प्लस 4 किया तो यहाँ पर कितने आगे 32 इलेक्ट्रॉन। दूसरे SO4 2 माइनस, सल्फर कितना होता है ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है तो यहाँ पर भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 रहे होंगे, ऑक्सीजन में कितने 6 है, कितने ऑक्सीजन है 4 है तो 6 × 4 किया माइनस 2 तो प्लस 2 कर दो, यहाँ पर भी मेरे पास कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। सो ये मीन सेम इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब बात कर लेते हैं आइसो डायफर, सो मीन्स यस में आइसो डायफर होता है आपका जिसमें डिफरेंस सेम हो, किसका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन का मेरे पास क्या हो डिफरेंस सेम हो। अब क्या बचा है मेरे पास पी बचा है और आर बचा है। सबसे पहले तो देख लेते हैं फ्लोरीन 37 और 17, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 17 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 37 माइनस 17 तो यहाँ से हो गया 37 है ना, ओके सो यहाँ पर कितना हो गया न्यूट्रॉन मेरे पास होंगे 20। अब स्कैंडियम के केस में 45 और ये 21 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 21 और न्यूट्रॉन मेरे पास हो जाएंगे 45 माइनस 21 तो यहाँ से मेरे पास कितना हो गया 24। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस किया तो कितना आ गया यहाँ से 20 माइनस 17 किया तो यहाँ पर 3 हो गया, सेम यहाँ पर 24 माइनस 21 किया तो कितना हो गया 3। सो इट मीन्स ये मेरे पास क्या है आइसो डायफर है। तो सी के केस में मेरे पास क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, लास्ट कौन सा बचा आइसोटोन, सो डी के केस में मेरे पास आ जाएगा आर, आइसोटोन जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या हो न्यूट्रॉन्स हो, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कितने होंगे न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 12 मिल रहे हैं और यहाँ पर भी आपको 12 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर ए के लिए क्यू, बी के लिए एस, सी के लिए पी और डी के लिए आपके पास हो जाएगा आर। सो दो कॉलम मेरे पास गिवन है, कॉलम वन में मेरे पास गिवन है एलिमेंट और कॉलम टू में गिवन है जेड इफेक्टिव। सो जेड इफेक्टिव जो है ये हमने देखा था कि अलोंग द पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव क्या करते हैं इंक्रीज करेगा, सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा जब हम पीरियड में जाएंगे अलोंग द पीरियड। When we move left to right, तो यहाँ पर मेरे पास जो एलिमेंट गिवन है कौन कौन से कार्बन ऑक्सीजन और नियॉन और एक है मेरे पास यहाँ पर सोडियम। सो देखो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किस में होगा नियॉन में होगा। सो अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने बैठ जाना है, सो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करनी है कि हमें पता है कि अलॉन्ग द पीरियड जाने पर लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर मेरा एलिमेंट नियॉन है तो इट मीन्स सबसे ज्यादा जो जेड इफेक्टिव होगा वो किसके लिए होगा नियॉन के लिए होगा। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा है 5.85, सो ये हो गया नियॉन के लिए। उसके सेकंड नंबर पर हाईएस्ट किसके लिए होगा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए हाईएस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर एस हो जाएगा और देन बचते हैं कार्बन, सो कार्बन के केस में यहाँ पर कितना हो जाएगा आर और सोडियम में मेरे पास कितना बच जाएगा क्यू, सो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा।